मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी करते हुए सूबे में 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे में उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और किशनगंज में वज्रपात और बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है, जबकि उत्तर पश्चिम बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बात करें राजधानी पटना की तो यहां जबरदस्त बारिश ने मौसम का मिजाज एकदम बदल दिया। पिछले करीब 24 घंटे में 145.4 mm बारिश दर्ज की गई है। वज्रपात के साथ बारिश ने मौसम का रुख एकदम बदल दिया है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी। तो पिछले 24 घंटे में भारी बारिश ने राजधानी पटना की सूरत बिगाड़ दी है। इस बारिश में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास में घुटने भर पानी भर गया। रात में हुई तेज बारिश के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री के आवास परिसर में पानी जमा हो गया है। रात में हुई बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खल कर रख दिया है। अभी हम बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि रेणु देवी के आवास पे जो है पूरा जल जमाव है। रेणु देवी के आवास से लोग निकल के आ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। अंदर में थे, कितना पानी है? लगभग 1.5 फीट के आसपास है। कब से लगाई पानी? अब रात में पानी जो बरसा है उसमें पानी लगा निकला नहीं है ना, निकल रहा है धीरे धीरे, निकासी हो रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके सरकारी आवास में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है जल जमाव है। अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर में क्या हालात हैं। ये उप मुख्यमंत्री जहाँ बैठती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोगों से मिलती हैं, वो जो कुर्सियां लगी हुई हैं वह वहीं की तस्वीरें की देखिए, वहां भी पूरी तरह से जो है कुर्सी जो है आधे, देखिए आधे हिस्से में जो कुर्सी है पूरी तरह से जो है डूब चुका है। पानी का निकासी हो पा रहा है? नहीं जी। कब से लगा हुआ है? रात से। तो काफी प्रॉब्लम होगा? बहुत। हालात ये हो रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के सरकारी आवास में पानी जो है वो पूरी तरह से अपना जो है कैद कर ले रहा है। और देखिए कि किस तरह से जो है हालात उत्पन्न हुए हैं और पानी पानी यूं कहें कि पानी पानी राजधानी। जी हाँ, तो कोई बुरा नहीं होगा। और पटना के कई इलाकों में तो ये जल जमाव की स्थिति है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे जहाँ उप मुख्यमंत्री रहती हैं, जहाँ सरकार रहता है, वहाँ पर इस तरह के हालात ये जरूर पटना नगर निगम के पोल को खोलते दिख रहे हैं। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। पटना में भारी बारिश से कई इलाके पानी पानी है। जल जमाव से वीआईपी इलाके भी अछूते नहीं रहे। गंदा पानी से अधिकारियों के इलाका भी डूब गया है। राजधानी पटना में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 100 mm से अधिक की बारिश के बाद नजारा देखिए किस तरीके से एक बार फिर पटना है वो पानी पानी दिख रहा है। किस तरीके से आम जनजीवन व्यस्त हुए हैं, अस्त व्यस्त हुए हैं वो देख सकते हैं। किस तरीके से इसके पूरी पार्क का यह मोहल्ला है, मैं थोड़ी तस्वीर नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जल जमाव है, भारी जल जमाव है। देखिए घुटने भर से अधिक पानी में किस तरीके से जो एक व्यक्ति हैं वो साइकिल लेकर के आ रहे हैं। यही नहीं, कई घरों में पानी है वो घुस चुका है। देखिए किस तरीके से यह बोरिंग रोड सहदेव महतो मार्ग की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इधर इसके पूरी पार्क की तरफ से है। लेकिन देखिए किस तरीके से भारी जल जमाव की बाद घर में पानी की प्रवेश किया है। यह तस्वीर है वो बोरिंग रोड इलाके के जहाँ पे वीआईपी इलाका माना जाता है, काफी हाईएस आईपीएस को लोगों का घर है, यह घर भी डॉक्टर लोग का है। तो किस तरीके से तस्वीरें है वो देख सकते हैं कि किस बीच सड़क पे रेंगती हुई सड़कें जो गाड़ी है वो जा रही है। लेकिन मैं एक खास बात और बता दूं कि देखिए यहाँ पे जल जो निकासी है वो काफी तेजी से हो रहा है।
आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से तेज गति से जो सम्प हाउस है वो पानी खींच रहा है। जो पटना नगर निगम है वो अब सुबह में जागी है और उसके बाद पानी निकासी में लगे हुए है। कुछ तस्वीरें भी साफ हो रही है कि जल निकासी के बाद थोड़े से देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो खाली हुई है। लेकिन एक काफ़ी बड़ी चुनौती होगी किस तरीके से पटना नगर निगम है वो इस काम को अंजाम देती है। बताया जा रहा है, मौसम विभाग से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 100 एमएम से अधिक की बारिश हुई है। कैमरामैन दयानंद थोजा के साथ नवजीत जी मीडिया पटना। कटिहार में भी वज्रपात के साथ मूसलाधार बरसात हुई है। बारिश से बदला है मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन लगातार बारिश ने समस्याएं भी बढ़ा दी है। भारी बारिश से मखाना किसानों को हालांकि फायदा होगा। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बारिश से मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। गर्मी से जरूर राहत मिली है, हालांकि जो मखाना किसान है उनको इसका फायदा होगा। लगातार बरसात ने समस्याओं को बढ़ा दिया है। तो वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश। बगा में दिन भर की बारिश के बाद पहाड़ी नदी भपसा उफान पर है। पहाड़ी नदी के उफान पर आने से कई गांव जलमग्न हो गए। थरूहट इलाके के महादेवा, मोतीराजी, बेरिया, जीतपुर, सखुअनवा समेत कई गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए। हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। वहीं बिगड़े हालात की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से बगहा में जमकर बारिश हो रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कहेंगे, बिहार में किस तरीके से जो बाढ़ का असर है वो देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि आप देखिए कि डिप्टी सीएम के घर के बाहर उनके परिसर में भी पानी का जमावड़ा यानी कि पानी का जमाव हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिहार में एक तरह से देखा जाए बाढ़ से कई जिलों के हालात जो है जरूर खराब है, लेकिन रात में जो भारी बारिश हुई है उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई आप देख सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम की बात करें, रेणु देवी हैं। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, तारकिशोर प्रसाद यादव, एक रेणु देवी हैं। आप देखिए बोर्ड पे रेणु देवी उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, लेकिन नगर निगम, पटना नगर निगम किस तरह से फेल हो चुका है। पटना नगर निगम जो दावे करता है उसके दावे किस तरह से खोखले हो चुके हैं, इस स्थिति को आप देख सकते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि बिहार सरकार के यहाँ जो है ये स्थिति है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम मिलकर जो है पूरे राज्य को चलाते हैं और उन डिप्टी सीएम जो हैं उनके आवास की ये स्थिति है। 3 एस्टेंड रोड उनका आवास है और आप देखिए पूरा जो आवासीय परिसर है पानी ही पानी है। अंदर में डिप्टी सीएम जो हैं, बताया जा रहा है कि छत पे जो है वो हैं, आज जो है उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन पूरा परिवार जो है वो इस पानी के कैद में जो है वो आवास में ही ऊपर में ही है। देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम रुपेंद्र। देखिए बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब डिप्टी सीएम के घर के बाहर परिसर का इस तरीके से मंजर नजर आ रहा है तो बाकी आम जनता किस भरोसे होगी, वहां पर किस तरीके की स्थिति होगी, निचले क्षेत्रों में किस तरीके की स्थिति होगी। जी यही कहना है कि जब डिप्टी सीएम का आवास का ये स्थिति है तो पटना के और जो इलाके हैं जहाँ जलमग्न है, जहाँ कई जगह जो है कि वहाँ पर जो है जल जमाव की स्थिति है वो उत्पन्न हुई है, कई लोग घरों से नहीं निकल पाए हैं। आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम के आवास से किस तरह से लोग निकल रहे हैं, तो ये स्थिति है। तो फिर पटना निगम जो करोड़ों का अपना जो है बजट बनाता है, करोड़ों रुपये खर्च दिखाता है, तो ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा से कहेंगे। देखिए डिप्टी सीएम का आवास है और आवास में किस तरह से पानी लगा हुआ है, ये तस्वीर जो है सीधी तस्वीर हमारे दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है डिप्टी सीएम के आवास पे जो है पानी लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि डिप्टी सीएम जहां लोगों से बाहर में मिलती हैं, बैठती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोगों को समस्याओं जानती हैं, वहाँ की कुर्सी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से
पानी में जो है पूरी तरह से है डूबा हुआ है। ये जो परिसर है, सारे परिसर में जो है डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि यहाँ पर फूल पौधे सब्जियाँ जो है वो उगाया गया था, लेकिन सब जो है पानी में है। आप देखिए किस तरह से डिप्टी सीएम के जो आवास पर रहने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, गार्ड हैं, वो लोग किस तरह से हैं। तो ऐसे जो है हालात जो है वो उत्पन्न हुए हैं। और पटना नगर निगम कहा जाए तो पटना नगर निगम की जो है पोल खुलते हुए पूरी तरह से दिख रही है। जब डिप्टी सीएम के आवास में ही पानी अगर लग जाए तो कैसे लोग जो है भरोसा करेंगे कि छोटे छोटे जो ये मोहल्ले हैं वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके घरों में, खास तौर पर पटना की बात की जाए तो रिटायर्ड आईएएस आईएएस जो हैं उनकी जो कॉलोनियाँ हैं, उनके जो घर हैं, उस सारे जगह जो है पानी ही पानी है। रुपेंद्र, वाकई देखिए ऐसे वक्त में एक सवाल जहन में आता है, बिल्कुल ऐसे वक्त में और ऐसी तस्वीरों को देखकर एक सवाल जरूर जहन में आता है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं जो तमाम दावों को लेकर, तमाम इंतजामों को लेकर जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि तमाम तरह की तैयारियां हैं। क्या वो तैयारियां भाषण में, कागजों में रह गई है? जमीनी स्तर पर तैयारी की जो पोल खुल रही है वो डिप्टी सीएम के घर के बाहर परिसर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पहली बार नहीं है बिहार में, हम हर साल इस तरीके के हालात देखते, लेकिन बावजूद उसके क्या नींद से अभी नगर निगम प्रशासन नहीं जागा है? देखिए जरूर कहेंगे कि नींद से जो है नगर निगम प्रशासन जो है वो नहीं जागा है। दावे किए जाते हैं, जो बजट है वो कागजों पर बनाए जाते हैं, पैसे जो खर्च किए जाते हैं, हम यूं कहें कि अगर कागज पर ही पैसे खर्च कर दिए गए होंगे तो यह कहना जो है गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए अंदाजा लगाइए कि जो कुर्सी जो है वो कितने पर जो है पानी में डूबा हुआ है, खुद देख सकते हैं कि हम जो हैं हम किस तरह से जो है पानी में जो है हम हैं। और जितने जो आगे लोग बढ़ेंगे, जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना ही पानी जो है गहरा है। तस्वीर और हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो डिप्टी सीएम की जो गाड़ी लगी होती है वहाँ की स्थिति है, वहाँ पर भी पानी है। डिप्टी सीएम का पोर्टिको, पूरी तरह से पोर्टिको जो है वहाँ पानी है। बताया जा रहा है कि रात में स्थिति ऐसी हो गई थी कि अंदर घर तक जो है अंदर में जो है जी नीचे का जो फ्लोर है वहाँ तक जो है पानी प्रवेश कर गया था। क्या कहाँ तक पानी लगा हुआ था? पूरा एकदम पूरा लगा हुआ था, एकदम इस ऊपर वाला में लग गया था, ऊपर वाला में नहीं लगा था, थोड़ा नीचे ही था, पूरा लगा हुआ था, पूरा लगा हुआ चारों तरफ। नगर निगम से कोई आया था? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया था, नगर निगम से कोई नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। तो देखिए डिप्टी सीएम के घर पर पानी लगा हुआ है और नगर निगम से अभी कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल रुपेंद्र, और यही तस्वीरें और यही बातें तमाम दावों की पोल खोल रही है कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है बिहार में। बिल्कुल रुपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।